हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 10th to 13th में के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी आपको मिल चुका है क्योंकि उसमें भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे थे, एंड पार्ट टू में भी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, स्टेट सर्विसेज, ईपीएफओ, अगर इन सब एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, प्रोसेस वही फॉलो करना है आपने। क्वेश्चन आएगा, आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, देन उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड टाइम एंड अगेन आई हैव सेड दिस दैट दीज एमसीक्यूज आर फॉर योर रिवीजन पर्पस, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आपने किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग आपने कंटिन्यू रखनी है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, किसी की भी मैगजीन पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारी कोई मैगजीन ऐसी नहीं आती है, ठीक है, तो किसी इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने न्यूज़पेपर को तो पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप सिर्फ 1 घंटा दे करके फटाफट से पढ़ लो, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि रोज़ 3 घंटे न्यूज़पेपर को दो, 1 घंटा चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689 पर, या फिर मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे अब। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द स्कीम अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको MIDHB लिखा जाता है, ठीक है, तो ये PIB में न्यूज़ में था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इसके ऊपर सवाल बनाया। तो आपको यहाँ पर 4 स्कीम्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर आती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, एंड द फोर्थ वन इज़ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ऑलराइट, 1, 2, 3, 4, 1, 2 and 3, 1 and 3 ओनली, और 1 ओनली। देखो बच्चों ने, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, वो तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली कन्फ्यूज होंगे ए और बी में। वो कोकोनट के ऊपर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी क्या मिशन फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑफ हॉर्टिकल्चर में आता है या नहीं। और जिनको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 1, 2, 3, 4 लगाएंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के तुक्के चल भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपने इस तरह के गेस वर्क्स अवॉइड करने हैं, जब तक आप एक बार पेपर को कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं कर लेते। अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि यार पेपर के लेवल के हिसाब से मेरे अटेम्प्ट कम बन रहे हैं और मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे अपने क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, तभी इसको करें, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो बिना बात का रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर इस केस में ए ही होगा, 1, 2, 3, 4 तीनों, ये चारों जो हैं आपके मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में आएंगे, ठीक है। तो न्यूज़ PIB में ये थी, हॉर्टिकल्चर सेक्टर कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने ऐसा बोला, एंड ही हैज़ ऑल्सो एलोकेटेड ₹2,250 करोड़ फॉर रियलाइजिंग द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर ड्यूरिंग द 21-22 फाइनेंशियल ईयर। तो ये 2,250 करोड़ किसको दिए गए हैं, ये 2,250 करोड़ दिए गए हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को, इसी वजह से इसके ऊपर सवाल बनाया गया। ये रकम आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, अगर आप बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप जो IBPS या बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से कोई दे रहे हो, तो उसमें पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है, UPSC या स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में चांसेस नहीं होंगे। MIDH के बारे में पढ़ेंगे, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑलराइट, सो MIDH जो है 2014-15 से ये इफेक्ट में आई थी, फॉर रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। नाउ क्या क्या कवर होगा इसमें, फ्रूट्स आपके कवर हो गए, वेजिटेबल कवर हो गए, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स आ जाएंगे, मशरूम्स आ जाएंगे, स्पाइसेस आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, एरोमेटिक प्लांट, कोकोनट, कैश्यू एंड कोकोआ। तो ये भी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन से क्रॉप्स जो हैं इस हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर कवर किए जाएंगे। ऑल राइट, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इसने हॉर्टिकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए, मिनिस्टर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। ऑल राइट, 2014-15 से अगर 2019-20 का पीरियड देखो, 5 साल का, तो पहले 9% एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता था, अब 14% एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर होने लगा है, ठीक है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार स्टेटमेंट बेस में वो पूछ लेता है कि द एरिया अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 2014-15 टू 2019-20। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अपने को मदद मिल जाएगी। ओके,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है शेयर करते हैं एक्सपेंडिचर को, तो जो भारत सरकार है उसका हिस्सा 60% रहता है, दैट इज 60:40 नॉर्मल स्टेट्स के केस में, जनरल स्टेट्स के केस में। लेकिन जो आपकी एक्सेप्शन स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनके केस में जो शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 90:10, यानी कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90% कॉन्ट्रीब्यूशन देगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 10% देगी। तो जनरल स्टेट्स के लिए 60:40 हो 40, एंड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द हिमालयन स्टेट्स इट इज 90:10। ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है आपने। चलिए, तो पांच मेजर स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर की जो इस मिशन के अंडर आती हैं, जो आपका मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागा लैंड। तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है सवाल में। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले न्यूज़ देखते हैं पहले क्या थी, फिर क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है हमने। तो बेसिकली सरकार का ये कहना है कि जो रूरल डिस्ट्रेस है वो अब विजिबल होने लगा है, क्योंकि जो जनधन खाते हैं रूरल एरिया में, जो जनधन खातों का डिपॉजिट है वो कम हो गया है। और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है अप्रैल के महीने में, तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से इकोनॉमिक लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रूरल एरिया में लोगों की इनकम इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, सो इफेक्ट आ गया, ये इफेक्ट आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है पेंडेमिक का इफेक्ट सिविल सर्विसेज वाले बच्चों से रिटर्न एग्जाम में, तो इफेक्ट आप कह सकते हो कि इट वॉज क्लियरली सीन इन टू दैट द जनधन द डिपॉजिट इन टू द जनधन अकाउंट्स रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड द लॉकडाउन दैट वर इम्पोज, दस इफेक्टिंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इस तरह से आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब जनधन के ऊपर देखो, ये तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला ना कि अप्रैल के महीने में कितना जो है डिपॉजिट कम हो गया था। ठीक है, आपसे सवाल आएगा जनधन स्कीम के ऊपर, तो सवाल जैसे इस तरह से आपसे पूछ लेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑन बेनिफिट्स अंडर द जनधन मंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर जो बेनिफिट मिलते हैं उनमें से गिवन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट अ करेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, यानी कि तीन जो पॉइंट्स हैं वो जनधन से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट हैं और एक बिल्कुल गलत। पहला कहता है द अकाउंट्स ओपन अंडर द PMJDY आर जीरो बैलेंस अकाउंट्स। ओके, जीरो बैलेंस अकाउंट्स बेसिकली वो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अगर आप नॉर्मली कोई नॉर्मल अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द बैंक। अगर मिनिमम बैलेंस से अमाउंट कम चला जाता है आपके अकाउंट में तो बैंक उसके लिए आपको पेनलाइज करता है। जीरो बैलेंस अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तब भी आपको कोई पेनलाइज नहीं करेगा। ऑप्शन बी कहता है ऑल द न्यू अकाउंट्स अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना आर प्रोवाइडेड एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2000 लाख। जितने भी नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलेंगे उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख मिलेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 5000 इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स। 5000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ऑप्शन डी, आप ऊपर वाले सारे दिए सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। देखो, अब किसी ने अगर ये स्कीम पढ़ी है, इंटरनेट से पढ़ रहे हो आप या फिर आपके खुद के भी नोट्स हैं, तो कई बार क्या होता है वो चीज़ अपडेट नहीं होती और उसमें इंटरनेट पे जो प्लेटफॉर्म है हमेशा उसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने 2019 में वो चीज़ पढ़ाई, 2020 में वो चीज़ पढ़ाई, उस टाइम पर लिमिट कुछ और थी और बाद में वो चेंज हो गई, लेकिन उनका जो पेज है उसके ऊपर तो वही है। ठीक है, उन्होंने उसको हटाया नहीं है और नहीं भी हो पाता, इतना इंटरनेट पर डाटा वो लोग डाल रहे हैं कि वो नहीं हो पाता। ठीक है, कई चीज़ें जैसे अगर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आज आपको कुछ चीज़ पढ़ा दूँ, दो दिन बाद क्या पता उसकी लिमिट चेंज हो जाए। ठीक है, तो चेक करना इसीलिए आपके एंड पे भी ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार ये लिमिट्स वगैरह जो होती हैं ना उनको अच्छे से चेक कर लें। अब देखो, पहले जब प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी तब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5000 की थी, तो अगर बच्चे को यही पता है तो वो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट कर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने चेंजेस पढ़े हैं तो उसमें अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, 10000 कर दी गई है, तो इसीलिए सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो, सो अंडर PMJDY फॉलोइंग बेनिफिट्स आर अवेलेबल। नंबर वन, वन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर अनबैंक्ड पर्संस, नो नीड टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है PMJDY अकाउंट में। ओके,
इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा आपको जो भी आपका डिपॉजिट होएगा। रुपए डेबिट कार्ड कम एटीएम कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए तक का। लेकिन जिन लोगों ने अकाउंट 28/8/2018 के बाद खोले हैं, देखो जिन्होंने पहले खोल लिए थे, जिन्होंने 28/8/2018 से पहले खोल लिए थे, उनको तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए का ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 28/8/2018 की डेट के बाद अपने प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले हैं, उनको 2 लाख रुपए का जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट में लिखा था ऑल द न्यू, जो भी नए खुल रहे हैं, नए को तो 2018 के बाद ही हुए ना नए, तो उसमें जो है आपका 2 लाख का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, ओके। लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 तक का प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं जिनके, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 15/8/2014 से लेकर के 31/1/2015 तक अपने खाते खोले हैं। अगर किसी ने 31/1/2015 के बाद अपना खाता खोला है तो उसको ये लाइफ इंश्योरेंस कवर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 15/8/2014 से 31/1/2015 तक जिन्होंने अपने खाते खोले हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो 10,000 रुपये तक की है एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स के पास, ठीक है। तो ये आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिनमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें, अगेन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना पर ही। अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिटिंग अकाउंट BSBDA इज ओपन्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फीचर ऑफ BSBDA अकाउंट। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द BSBDA अकाउंट, ओके, जो आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है। ऑप्शन ए, नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी मेड इन अ मंथ। जितनी मर्जी बार आप जाकर अपना पैसा जो है अपने खाते में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट। सेकेंड, मिनिमम ऑफ 10 विड्रॉल्स, 10 बार आप पैसा निकाल सकते हैं अपने खाते से एक महीने में, और ये जो 10 बार की लिमिट है इसमें आपके ATM के विड्रॉल भी शामिल रहेंगे। सी, ATM कम डेबिट कार्ड आपको मिलेगा आपके बेसिक डिपॉजिट अकाउंट के साथ। एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओके। सो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, वंस अगेन द आंसर हेयर विल बी, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जितनी मर्जी बार आप जाकर अपने खाते में पैसा डिपॉजिट करो, लेकिन विड्रॉल के ऊपर लिमिट है, ठीक है। जो BSBDA अकाउंट होते हैं उनके ऊपर विड्रॉल के ऊपर लिमिट होती है, यानी कि अगर आप उस लिमिट, फॉर एग्जाम्पल आप लिमिट जो है वो 4 है, तो बी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। अगर आप 4 से ज़्यादा बार पैसा विड्रॉ करते हो अपने खाते में से इंक्लूडिंग ATM, तो उसके लिए फिर बैंक आपको चार्ज करेगा, ठीक है। तो फ्री विड्रॉल जो है वो 4 है, ATM कम डेबिट कार्ड आपको मिलता है। तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है जी। तो जो जितने भी आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट खुलते हैं वो BSBDA होते हैं, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, ओके। नाउ मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं इसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज, जैसे कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ कैश आप जितनी मर्जी बार डिपॉजिट कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल यानी कि जो नेट बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जितना मर्जी बार जो है डिपॉजिट कर सकते हैं या मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चेक्स वगैरह आ रहे हैं वो आप इजीली लगवा सकते हैं बैंक अकाउंट में, उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, जितनी मर्जी बार डिपॉजिट कीजिए, लेकिन विड्रॉल सिर्फ 4 परमिटेड हैं, जिसमें आपके ATM विड्रॉल्स भी शामिल रहेंगे। लेकिन ये विड्रॉल का मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी किसी शॉपकीपर के पास जाकर के आपने उससे कुछ परचेज करके अपने कार्ड से शॉपिंग की, यानी कि कार्ड स्वाइप किया, तो वो विड्रॉल में नहीं आता है। विड्रॉल में अगर आप खाते में चले गए, आप बैंक में चले गए, आपने वहाँ पर जाकर बैंक से पैसा निकाला, तो वो विड्रॉल होगा, या अगर आपने ATM मशीन से पैसा निकाला तो वो विड्रॉल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले काफ़ी दिनों से, ओके। हिंदू में एक आर्टिकल भी इसके लिए इसके ऊपर आया था जहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। सो नंबर 1, लिक्विड नाइट्रोजन इज अ इनफ्लेमेबल गैस। नंबर 2, IVF सेंटर्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IVF सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। IVF सेंटर्स रिक्वायर्ड लिक्विड नाइट्रोजन फॉर प्रिजर्विंग एम्ब्रियो एग्स एंड स्पर्म्स। IVF इज बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके।
सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस में लिक्विड नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रिजर्विंग एम्ब्रियो एग्ज एंड स्पर्म्स. ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव. पहला फीच पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड टू अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, और सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन. ओके, सो द आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी. दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं. ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है इसको साइंटिफिकली LN2 कहा जाता है. कलर्ड होती है, ओडोरलेस होती है एंड इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेबल गैस. ओके, तो स्टेटमेंट में आपसे हमने क्या लिखा था, इन्फ्लेमेबल लिखा था. सॉरी, इसमें आंसर देखिए चेंज हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा. लिक्विड नाइट्रोजन इज अ इन्फ्लेमेबल गैस नहीं है, नॉन इन्फ्लेमेबल है ये. तो इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. सो आंसर हेयर शुड बी बी, बी यहाँ पर आंसर होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल है. ठीक है ना, तो LN2 कलर्ड, ओडोरलेस एंड नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है. इट इज़ अ क्रायोजन. क्रायोजन का क्या मतलब होता है कि इस गैस, इस लिक्विड नाइट्रोजन को आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली टू क्रिएट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स. ओके, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो इसका -196 डिग्री सेल्सियस है एंड द गैस इज सो कोल्ड दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ रैपिडली फ्रीजिंग एनी लिविंग टिश्यू. तो किसी भी लिविंग टिश्यू को जो इसके कॉन्टैक्ट में आएगा वो रैपिडली फ्रीज हो जाएगा विद इन अ फ्यू माइक्रोसेकेंड्स. ओके, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि फर्टिलिटी क्लिनिक्स अब थोड़ी सी चिंता जता रहे हैं सरकार को, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का जो सप्लाई है वो कम हो गया है. अब लिक्विड नाइट्रोजन का सप्लाई क्यों कम हो गया है, क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि जो भी नाइट्रोजन प्लांट्स हैं, एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन प्लांट्स हैं, उन फैसिलिटीज़ को कन्वर्ट कर दिया जाए फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिकल ऑक्सीजन जो COVID-19 पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट है. लेकिन इसकी वजह से लिक्विड नाइट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है एंड ये प्रॉब्लम अब आएगी IVF सेंटर्स को, क्योंकि IVF सेंटर्स में जो एग्स, स्पर्म्स एंड एम्ब्रियोज को रखा जाता है उनको क्रायो प्रिजर्व करना पड़ता है. ठीक है, क्रायो प्रिजर्व करना पड़ता है, बहुत लो टेम्परेचर पर उनको रखना पड़ता है. सो द IVF सेंटर रिक्वायर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन फॉर प्रिजर्विंग एम्ब्रियो एग्स एंड स्पर्म्स एट अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर दैट इज -195 डिग्री सेल्सियस. और इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है. ठीक है, बहुत से लोग आप देखते हैं आज की डेट में जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो बिफोर गोइंग फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट अपने जो गेमेट्स हैं, जो सेल्स हैं, स्पर्म्स हैं, उनको प्रिजर्व कर जाते हैं ताकि जब वो कैंसर की रिकवरी के बाद आएँ सो दे कैन गो फॉर अ बेबी. एंड जो IVF फैसिलिटीज होती हैं दे रफली रिक्वायर 8,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन अ मंथ. तो अगर अब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो इन सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ सकती है. सो दिस वॉज द न्यूज़ विच वॉज कवर्ड इन न्यूज़पेपर और क्वेश्चन आपका फॉर्म हो गया. तो लिक्विड नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए और एक एप्लीकेशन आपको लिक्विड नाइट्रोजन की यहाँ पर एड ऑन पता चल जाती है थ्रू न्यूज़पेपर. ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर सवाल है आपका. तो पहला स्टेटमेंट है एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन अनलेस रिवोक्ड अर्लियर. अगर सरकार ने आज बोल दिया कि हम XYZ के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, XYZ जो चाइना से आ रहा है इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, तो इस डेट से 5 साल तक के लिए वैलिड होगी और जब तक सरकार इसको पहले हटाने का डिसीजन नहीं लेती. पहला स्टेटमेंट ये कहता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है द इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन अ कमोडिटी इज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाई करेगी अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ ऑफ द अबव और डी नन ऑफ द अबव. ओके, सो द आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी. दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. तो सबसे पहले न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ माइनर सी थी, कोई अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है सरकार ने रिव्यू कर दी है अंडर द सनसेट रिव्यू. ठीक है, ऑन सीमलेस ट्यूब्स पाइप्स फ्रॉम चाइना. तो सनसेट रिव्यू क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे. बेसिकली दिस हैज़ बीन डन आफ्टर द पिटिशन वॉज मेड बाय द इंडस्ट्री फ्रॉम द कंट्री. ठीक है, तो जो ड्यूटी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है. तो सनसेट रिव्यू क्या होता है वो भी समझ लेंगे. सबसे पहले तो एंटी डंपिंग मेजर्स क्या मीनिंग होता है. सो डंपिंग इज सेट टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस इन इट्स ओन होम मार्केट. अब चाइना अगर हमारे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अभी हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सीमलेस ट्यूब्स की. अब फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है 1 किलो सीमलेस ट्यूब, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपये में देता है चाइना में.
रुपए के हिसाब से 100 रुपए में मिलती है चाइना के कस्टमर को, लेकिन जब वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो 80 रुपए में कर रहा है। तो ऐसा जब चीज़ हो कि वो एक्सपोर्ट जो प्राइस है वो अपनी होम कंट्री से भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। और इसको एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है, ओके, जिसका काफ़ी बुरा इफेक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। और एंटी डंपिंग जो फिर टैक्स है वो कौन लगाएगा, वो कंट्री लगाएगी जिसमें ऐसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 80 रुपये में इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इंडिया वाले क्या करेंगे कि भाई ये देखो डंप कर रहा है, ये सस्ते में यहाँ पर भेज रहा है ट्रेड को ख़राब करने के लिए, तो हम इसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगा देंगे। ठीक है, हम एक एडिशनल ड्यूटी इसके ऊपर लगा देंगे। एंटी डंपिंग का कहीं पर भी ये मतलब नहीं होता कि हमने वो उसके इम्पोर्ट ही बैन कर दिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर कमोडिटी या उस पर्टिकुलर कंट्री से हमने इम्पोर्ट ही बैन कर दिए। इम्पोर्ट आ रहा है, हमने ना हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है इम्पोर्ट के ऊपर कि आप सिर्फ इतना ही इम्पोर्ट कर सकते हो, हमने एक एडिशनल टैक्स लगा दिया बेसिकली टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ द पर्पस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज टू रेक्टिफाई द ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट। तो जो डिस्टॉर्शन कंट्री, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो लाने की कोशिश कर रहा था, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। द यूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन इज परमिटेड बाई WTO। WTO भी अलाउ करता है आपके एंटी डंपिंग मेजर्स को। ऑलराइट, नाउ सनसेट रिव्यू क्या होता है? अ सनसेट रिव्यू और एक्सपायरी रिव्यू इज एन इवेल्युएशन ऑफ द नीड फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। मैंने आपको बताया एक बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई तो वो 5 साल के लिए रहेगी। अब 5 साल खत्म होने को आए हैं तो सनसेट रिव्यू क्या कहता है कि इवेल्युएट करें कि क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो 5 साल पूरे होने से पहले ये सनसेट रिव्यू जो है वो किया जाता है। ओके, तो बेसिकली जो ट्यूबलेस जो पाइप्स के ऊपर लगाने की बात चल रही है, पहले भी लगा हुआ था लेकिन अब 5 साल खत्म होने वाले हैं इसीलिए उसका सनसेट रिव्यू किया गया है। नाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगले 5 साल के लिए फिर से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू दिस सनसेट और एक्सपायरी रिव्यू। ओके, एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 11.3 ऑफ WTO। तो WTO के प्रोविजन्स के साथ ही हम चल रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम WTO की प्रोविजन्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। नाउ ये जो सनसेट रिव्यू होता है ये सरकार खुद से भी कर सकती है, दैट इज सुओमोटो, और या फिर इट कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिक्वेस्ट दैट इज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो अब जो सनसेट रिव्यू हुआ है जो हमने न्यूज में देखा था, दैट हैज बीन कंडक्टेड आफ्टर द रिक्वेस्ट वॉज मेड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सरकार खुद से भी कर सकती है या रिक्वेस्ट के ऊपर भी कर सकती है। ऑल राइट, नाउ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है एंटी डंपिंग मेजर्स का इंडिया में? सो जो भी एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडीज या काउंटरवेलिंग मेजर्स होते हैं इंडिया में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ठीक है जी, नाउ ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इसका बेसिक काम क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद ये रिकमेंडेशन देगी भारत सरकार को कि क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए या एंटी सब्सिडी मेजर्स लगाने चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि हाँ ऐसा है, तो उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो फाइनली इसको इम्पोज करेगी और नोटिफाई करेगी कि जी हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है या इस कमोडिटी के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। तो इसमें दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इन्वेस्टिगेशन या रिकमेंड करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, एंड अल्टीमेटली उसको इम्पोज करने का और नोटिफाई करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में अपने रखनी है। ओके, चलिए। All right, now moving to the last question. Now this question has been taken from 11th May 2021, the Hindu Business Line, उसमें एक editorial आया था। ठीक है, editorial was basically on how India should be diplomat and maintain its relationship with both Russia and United States, okay, which are playing the key role in helping in India to fight the pandemic, okay. तो वहां से था लेकिन हमने वहां से एक छोटी सी information उठा के आपके लिए question बनाया। So consider the following statements regarding Bombay fever. Statement 1 says the Spanish flu that spreads across the globe between 1918 to 1920 was known as Bombay fever in India. 1918 से 1920 जो Spanish flu था जो पूरे globe में फैला was known as Bombay fever in India. The second statement is the flu mainly came to India with the return of Indian soldiers from World War I. जब World War I लड़कर soldiers India वापिस आए, उन्हीं के साथ Spanish flu है जो mainly India में आया and it started to spread. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। इजी सा सवाल है वैसे तो, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तब रेगुलरली इनको इजीली आंसर आप जो है कर सकते हैं।
ओके, सो द आंसर इन दिस केस विल बी व्हाट? इट विल बी ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। सो स्पैनिश फ्लू को ही बॉम्बे फ्लू, बॉम्बे फीवर या बॉम्बे फ्लू या बॉम्बे इन्फ्लुएंजा कहा जाता था इंडिया के अंडर। एंड मेनली ये इंडिया में कब स्प्रेड हुआ? एज द इंडियन सोल्जर्स वर रिटर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन। इतनी इन्फॉर्मेशन अपने लिए काफ़ी है। ओके, स्पैनिश फ्लू के बारे में अगर थोड़े से फैक्ट्स आप देख सकते हैं तो वो देखिए, इंटरनेट के ऊपर ज़रूर आपको हेल्प ही करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपका आर्टिकल था जहाँ से हमने ये आपकी इन्फॉर्मेशन उठाई है। चलिए, तो अभी इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर कीजिएगा, या व्हाट्सएप कीजिए 9041244689 पर, या फिर मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर। बाकी की वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, PDF लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट हैं, बाय बाय।